क्रूक्स, ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 60 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा सीरीज को देखकर जो भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक सेफ क्रैकर चार्ली की कहानी, जो एक आखिरी बार मजबूर होकर कुछ क्रिमिनल्स के साथ टीम अप करता है एक बहुत ही कीमती कॉइन को चुराने के लिए। और जब वो कॉइन चार्ली के हाथ लग जाता है तो फिर यूरोप के कुछ बड़े गैंगस्टर्स अलग अलग रीजंस की वजह से चार्ली के पीछे लग जाते हैं। और फिर चार्ली को अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, अगर आप लोग इस सीरीज को इस माइंड से देखेंगे कि ये कोई हाइस्ट थ्रिलर है और आपको इस सीरीज में कोई बड़ी चोरी होती देखने को मिलेगी मनी हाइस्ट सीरीज की तरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पहली ही एपिसोड में आपको एक छोटी सी चोरी होती देखने को मिलेगी और फिर उसके बाद ये सीरीज एक चूहे बिल्ली के खेल में बदल जाती है। चार्ली एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है और एक के बाद एक अलग अलग गैंगस्टर्स अलग अलग रीजंस की वजह से चार्ली के पीछे पड़े रहते हैं। चार्ली एक के बाद एक प्रॉब्लम में फंसता है और निकलता रहता है और यही सारा खेल 8 एपिसोड तक चलता रहता है। और ये जो चूहे बिल्ली का खेल आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा वो आपको कुछ पार्ट्स में जरूर एंटरटेन करेगा, लेकिन ओवरऑल कहानी में एक प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट मौजूद है और कोई शॉकिंग और सरप्राइजिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आपको इस सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे। एक्शन आपको इस सीरीज में जरूर देखने को मिलेगा, कुछ गन फाइट सीन से लेकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सारा एक्शन ऑर्डिनरी सा है। ओवरऑल कहानी इस सीरीज की बुरी नहीं है, आपको डिसेंटली एंगेज कर रखेगी, लेकिन शो के मिडिल पार्ट में आपको कहानी थोड़ी ड्रैग होती हुई जरूर फील होगी और चीजें आपको थोड़ी रिपीट होती हुई फील होंगी। और जो एंडिंग है सीरीज की वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि कहानी को एंड नहीं किया गया है सीजन 1 में, अननेसेसरी कहानी को सीजन 2 तक खींचा गया है जिसकी जरूरत नहीं थी। ये कहानी एक ही सीजन में भी खत्म की जा सकती थी, लेकिन अब आपको सीजन 2 का वेट भी करना पड़ेगा। बाकी कैरेक्टर्स में आपको इस सीरीज में चार्ली का कैरेक्टर पसंद आएगा, वो एक लाइकेबल कैरेक्टर है, और चार्ली के अलावा यूसुफ का कैरेक्टर भी आपको इस सीरीज में पसंद आएगा और आप चार्ली और यूसुफ के डायनेमिक्स को इस सीरीज में थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। और विलन्स में भी आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, जो कि दिक्कत थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसीलिए चार्ली और यूसुफ के अलावा बाकी सभी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट सरफेस लेवल तक ही रखी गई है। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो डिसेंट हैं, सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क वो अच्छा है। इन शॉर्ट मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 out of 10, क्योंकि मेरी नजर में ये एक एवरेज टाइम पास की सीरीज है। अगर आपको क्राइम ड्रामास देखना बहुत पसंद आते हैं तो फिर आप अपने टाइम पास के लिए इस सीरीज को देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं, बस आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस इस सीरीज से ज्यादा हाई नहीं रखनी है। और हां, अभी सीजन 1 में कहानी खत्म नहीं हुई है, सीरीज का सीजन 2 भी आएगा और ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।